सबसे पहली बात यह है, देखने की बात है कि ये जो आपने मेरे सामने सवाल रखा है, ये आप नरेंद्र मोदी जी के सामने रख सकते हैं क्या? सबसे पहली बात यह है, कहाँ रखे हैं आपने? नहीं, कवरेज एक व्यक्ति के सामने सवाल रखना और कवरेज करना में बहुत फर्क होता है। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं जहां पे कोई भी पत्रकार उनसे ऐसा सवाल पूछे। सबसे पहली बात यह है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैं कह रहा हूं कि देश की जनता को बांटकर उनमें नफरत फैलाई जा रही है। हिंदू मुस्लिम अलग अलग जात के लोगों को लड़ाया जा रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी ये करती है? कांग्रेस पार्टी ने कभी कहा है कि एक जात के व्यक्ति को दूसरे जात के व्यक्ति की हत्या करनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी ने कभी कहा है कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जाना चाहिए? कभी नहीं कहा है, हिस्ट्री में कभी नहीं कहा है। तो दूसरी बात यह है। तीसरी बात यह है कि जो वहां पर डर का माहौल है उसके बारे में आपने हमें बताया है, हम जाके उसको देखेंगे और अगर वहां पे हम उसको उसके बारे में बोल सकते हैं मैं बोलूंगा, ठीक है। और अगर वहां पे कुछ गलत हो रहा है तो मैं पर्सनली जाके उसको देख के उसमें मेरी जो राय होगी मैं रखूंगा, ठीक है। मगर मेन बात यह है कि जो देश में आज नफरत फैलाई जा रही है, जो हिंसा की जा रही है, वो छत्तीसगढ़ सरकार एज अ पॉलिसी नहीं कर रही है। वहाँ पे इश्यूज हैं, वहाँ पे लैंड एक्विजिशन के इश्यूज हैं और वहाँ पे हाँ टेंशन है, मगर हमारी पॉलिसी वो नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।